हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ डॉम्स कलर पेंसिल्स का। तो डॉम्स की मैंने इसे पहले अल्टीमेट डार्क पेंसिल्स की रिव्यू वीडियो बनाई थी और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डॉम्स कलर पेंसिल्स का भी रिव्यू करने की सोची। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन डे यू विल बी हु यू विश टू बी, प्रिपरेशन फॉर दैट डे स्टार्ट्स टुडे। और पेंसिल्स की कुछ फ़ीचर्स लिखी हुई हैं, तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको डॉम्स कलर पेंसिल्स लेनी चाहिए या नहीं, क्या ये वर्थ इट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी पैकेज है वो मैं अभी ओपन करूंगी। तो डॉम्स हमें 24 कलर पेंसिल्स प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ 180 रुपीज़ में। मैंने ये पेंसिल्स ऑनलाइन ऑर्डर की है अमेज़ॉन से, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस बॉक्स को जो है मैं अभी साइड में रख देती हूँ और आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक प्लास्टिक केस में हमें ये सब दिया है, जो काफ़ी सारे ब्रांड्स नहीं करते हैं, वो बस एक कार्डबोर्ड बॉक्स में देते हैं। और ये जो शार्पनर इन्होंने फ्री प्रोवाइड किया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये जो पेंसिल है जो मैंने लिया है, ये हेक्सागन है, इससे काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिलेगी और पिगमेंट भी काफ़ी डार्क दिख रहा है। तो देखते हैं कि ये जो पेपर पर है वो कैसा दिखेगा। तो मैं अभी पेपर पर येलो से लेके रेड तक के जो कलर्स होते हैं उसका आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे ब्लेंड होता है, कैसे जो पेपर है वो ऑप्ट करता है इनके पिगमेंट्स को। तो हमारे पास आइवरी शीट है और आइवरी शीट भी मैंने अमेज़ॉन से ही बाय किया था। आप मेरी बेस्ट मटेरियल्स फॉर बिगिनर्स के वीडियो में देख सकते हैं, वो मैं उसका आई बटन में दे दूँगी लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। वहाँ पर मैंने बताया जो बेसिक डार्क मटेरियल्स होते हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं वो बिगिनर्स के लिए। तो अभी मैंने सारे जो है कलर्स ले लिए हैं। तो मेरे पास येलो से लेकर के डार्क रेड तक के सारे शेड्स हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे शेड्स प्रोवाइड किए हैं 24 कलर्स के सेट में। तो मैं अभी एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाना शुरू कर दिया है ऑलमोस्ट। अब डार्क मैरून से मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ और मैं शुरू करूँगी येलो कलर से। तो सबसे पहले मैं लूँगी लाइट येलो, डार्क येलो, ऑरेंज, फिर डार्क ऑरेंज, इसके बाद में मैं लूँगी रेड कलर, फिर मरून कलर। और आप देख सकते हैं जो कलर्स जो है काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं और मैं इसे ब्लेंड करके देखती हूँ। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने बढ़िया होंगे और ये ब्लेंड भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहे हैं और हमें बहुत डार्क शेड देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ब्लेंडिंग में और जिस तरीके से ऑप्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल परफेक्ट है। और हम आगे देखेंगे कि मैं एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करके देखती हूँ। तो ये केपॉप सिंगर है, आप कमेंट करके बताना कि ये कौन है, काफ़ी ज़्यादा फेमस सिंगर है ये। तो मैं यहाँ पर एक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पहले ले रही हूँ एक स्किन टोन का कलर और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो आप ध्यान रखिए हमेशा से कि आप जब भी कोई पोर्ट्रेट बनाएं, आप पहले उसकी आउटलाइन बना लीजिए बिल्कुल हल्के हल्के से, एच बी पेंसिल से बना ले सकते हैं आप। और जो मैंने पेंसिल का यूज़ किया है वो है आउटलाइन पेंसिल, आप उसकी रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं आई बटन में। और मैं पहले बहुत लाइटली शेड कर रही हूँ उसे। तो जब भी आप कोई पोर्ट्रेट बनाए तो आप काफ़ी ज़्यादा हल्के हाथ से और बहुत लाइटली शेड कीजिए जो उसका स्किन है, और उसके बाद आप देखिए कि कहाँ पे इसकी शैडो गिर रही है और कहाँ पे लाइट आ रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जिससे हम एक बहुत अच्छा रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं ब्राउन कलर से जो है इसके बाल बना रही हूँ और आप देखेंगे। तो अभी मैं पिंक शेड का यूज़ कर रही हूँ ये स्किन टोन देने के लिए। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस रेंज में इतने बढ़िया कलर पेंसिल्स मिल जाएंगे मुझे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है देखिए कि इससे बहुत अच्छी ड्राइंग हो पा रही है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप फाइनल जो ड्राइंग है ये वो ज़रूर देखिए। मैं अभी आगे आपको फाइनल वाला क्लिपिंग दिखाऊँगी। मैंने ये इसलिए आपको बताया है क्योंकि ये जो मैंने टाइम लैप्स किया है इसे इसलिए किया है क्योंकि ये बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए। तो मैंने आपको यही दिखाना था कि ये जो कलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्मूथ जो आइवरी शीट है वो यूज़ की है,
क्योंकि स्मूथ शेड पे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हो पाता है हमारे कलर पेंसिल से। और हम चाहे तो मीडियम पेपर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा रफ़ होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो मीडियम पेपर काफ़ी ज़्यादा लोगों की चॉइस होती है। मैं तो मीडियम पेपर और सॉफ्ट ब्रिस्टल दोनों यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहे तो मैं ब्रिस्टल पेपर्स का जो है वो भी रिव्यू वीडियो बना सकती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे ख्याल से तो ये बिगिनर्स के लिए तो काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आप जो है, मेरा एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है बेस्ट आर्ट मटेरियल्स फॉर बिगिनर, वो आप ज़रूर देखिए अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट है तो। उसमें मैंने बताया कि आप जो कौन से आर्ट मटेरियल्स है जो आप वो ले सकते हैं, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप देख सकते हैं जो ब्लैक है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क आ रहा है, और अभी मैं आपको जो फाइनल ड्राइंग है वो भी बताऊंगी कि कैसा बना है। तो फाइनल स्केच हमारा तैयार हो गया है और ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है मुझे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे हिसाब से तो डॉम्स कलर पेंसिल जो है वो बहुत अच्छा है, और मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप सभी लोगों को ज़रूर बाय कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।